हेलो एवरीवन, कैसे आप? मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीत आपकी किताब का 8th चैप्टर, जिसका नाम है अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। जिसे उड़ना सीखना हो, उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। ये शब्द हैं फ्रेडरिक नीत्ज़े के। अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके, स्टेप्स टू बिल्डिंग अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। पहला कदम, जिम्मेदारी स्वीकार करें। स्टेप 1, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। एल्बर्ट हर्बर्ट के शब्द हैं ये। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदारी भरा व्यवहार है और ये उसकी समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नज़रिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हर काम करते हैं हम। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत ही श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उनसे उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। इल्ज़ाम लगाने का खेल बंद करें। स्टॉप द ब्लेम गेम। ये कहना छोड़ दें कि हर कोई ऐसा करता है। ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते, वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में एक हद तक आज्ञा पालन की भावना ना हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। जॉनी बोला, मम्मी, जिमी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया? जॉनी ने उत्तर दिया, जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वो झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, वे अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। पेटीनेस कोसिस अस टू इग्नोर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज़रा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग ज़रूरी काम को करने के बजाय जिम्मेदारियाँ औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुरानी भारतीय मान्यता हमें ये सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती है। एक अच्छे नागरिक की ये पहचान है कि वो अपना बोझ खुद उठाने को तैयार रहे। महानता की कीमत जिम्मेदारी है। ये शब्द हैं विंस्टन चर्चिल के। समाजों की बर्बादी चोर उचक्कों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन से होती है। कैसा विरोधाभास है ये। अगर अच्छे लोग निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो वह अच्छे कैसे हो सकते हैं? सवाल ये है कि क्या वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? बुराई के जड़ जमाने के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें और बुराई जड़ पकड़ ले। ये शब्द हैं एडमंड वर्क के। दूसरा कदम, औरों की परवाह। स्टेप 2, शो कंसीडरेशन। एक दिन एक 10 साल का बच्चा आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा, 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा, 65 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा वो बात उसके मन को छू गई। वहाँ 10 सेंट टिप के लिए रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी।
दूसरों को ख्याल और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना ये दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम, सबकी जीत के बारे में सोचें। स्टेप 3, थिंक विन विन। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में। उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगहें देख सकता हूँ। सेंट पीटर सबसे पहले उसे नर्क में ले गए। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा हाल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह के खाने की चीज़ें रखी हुई थी। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहाँ कोई हंसी खुशी ना थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियाँ बंधी हुई थी जिनसे वे मेज के नीचे पर खड़े होकर खाने की कोशिश कर रहे थे मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वो आदमी स्वर्ग देखने गया। वहाँ भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। स्टेप 4, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वो सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जानें कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नज़रिया छलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितनी कि गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोले ना कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फ़र्क है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज़्यादा। टॉक लेस से मोर। एक बेवकूफ बिना सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई ना किया जा सकने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शक्ल देता है। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी रिट्रीव। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वो पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उससे कहा कि वो पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंख थैले में भर के लेकर आओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वो थैला लेकर लौटा तो वो खाली था। तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते, इसलिए शब्दों के चुनाव से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। पांचवा कदम, आलोचना और शिकायत ना करें। स्टेप 5, डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। जब मैं आलोचना की बात करता हूँ तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों ना करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाली बैकसीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए या हम सही आलोचना कर सकते हैं? सही आलोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे दी जा सकती है? नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए। आलोचना करते समय हल पेश करना भी जरूरी है। व्यवहार की आलोचना करें ना कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं।
सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है। अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसे आलोचना में मज़ा आने लगे तो उसे आलोचना रोक देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने वाली आलोचना के बारे में सुझाव। कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हमारा नज़रिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सजा देने वाला। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करें। घुमा फिरा कर बात करना तकलीफ देता है। पहले असलियत को जानें। बिना सोचे समझे हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं है। आलोचना करने में जल्दबाजी ना दिखाएं, शांत और दृढ़ रहें। आलोचना समझाने के लिए करें, ना कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव ना अपनाएं, क्योंकि ये नाराजगी का निर्माण करता है। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दें, उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां ना सुधारने के नुकसान भी बताएं। किसी को उसके दोष बताने की बजाय उसे खुद अपने आप को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहें। काम पर उंगली उठाएं, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर भी संदेह हो तो संबंध ही तोड़ दें। काम की आलोचना करें, ना कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय निजी नज़रिया जाहिर ना करें। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इसे ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। आलोचना दवा देने की तरह है, दवा सही मात्रा में देना या लेना ही ठीक है। ज़्यादा देने से नुकसान होता है और कम का असर नहीं होता। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होनी चाहिए। सही ढंग से किए जाने वाली आलोचना बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दें। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। आलोचना स्वीकार करें, रिसीविंग क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज़ आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम ना तो कुछ कहें ना करें और ना ही अपने पास कुछ रखें, लेकिन इस तरह हम आखिर में एक नकारा इंसान बनकर रह जाएंगे। गलत आलोचना इन दो वजहों से की जाती है। पहला कारण, अज्ञानता। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो उसी जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद किया जा सकता है। दूसरा, जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहाँ ना हो सकने की वजह से वो तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। एक और तरह के लोग भी होते हैं। इस वर्ग के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक कि वे खुद अपनी मदद करने लायक नहीं बन जाते। पर जैसे ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं, उनके पहले के मददगार ही उनकी ज़िंदगी को तकलीफ देह और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में ऐसा होता ही है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमें उन हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की वजह जलन होती है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत ना होना कमज़ोर स्वाभिमान की निशानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव। इसको सही ढंग से लें।
इसे दरिया दिली के साथ स्वीकार करें, ना कि मन मुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आके अगर वो सही लगती हो तो उसे कबूल करें, उससे सीखें और उस पर अमल करें। बचाव की कोशिश मत करें। रचनात्मक आलोचना को तत्काल खुले मन से स्वीकार करें। क्यों? इसलिए कि ऐसा करके हम अपने आलोचक का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो झुंझला जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके को एक चाल के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फ़ायदा केवल एक बार मिलेगा, पर ईमानदारी से अपनाने पर उसका लाभ बार बार मिलेगा। उस इंसान के शुक्रगुजार हों जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वो हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, ना कि खराब। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वह सही आलोचना स्वीकार करने की बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। शिकायतें, कंप्लेंट्स। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है। उनके लिए हर दिन खराब है। जब सब ठीक ठाक हो तो भी वह शिकायत करते हैं। शिकायतें करना अच्छा क्यों नहीं है? 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कोई समस्या है, और बाकी बचे 50% लोग इससे खुश होते हैं कि आपको कोई समस्या है। फिर शिकायत करने से फ़ायदा क्या है? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। ये शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफ़ी उपयोगी भी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत ये दिखाती है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है, जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का मौका मिलता है। छठा कदम, मुस्कुराएं और दयालु बने। स्टेप 6, स्माइल एंड बी काइंड। खुश मिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने में मुस्काने से ज़्यादा मांसपेशियां खींचती हैं, इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल उठता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। 7वां कदम, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। स्टेप 7, पुट पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वह समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षण बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम फ़ोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात हमारे मन में ये आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई या उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। ये नकारात्मक सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर बंद मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें ना मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कारण हो सकता है। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं है और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। 8वां कदम, अच्छे श्रोता बनें। स्टेप 8, बी अ गुड लिसनर। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर गई है, लेकिन क्या हमको ये नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है। खुद से ये सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने लेकिन वह सुनने से ज़्यादा बोलें? हमारी पहली बात पर ही वह असहमति प्रकट करें, वह हमको हर कदम पर टोके, वह बेसब्री दिखाएं और हमारे हर वाक्य को खुद ही पूरा करें? वह शरीर से तो मौजूद हों लेकिन उनका दिमाग कहीं और हो? वह सुने लेकिन समझे नहीं?
हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वो हमें ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। वे ऐसे नतीजों पर पहुँचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछे जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हों और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों को ध्यान से ना सुन रहे हों और बिल्कुल ध्यान ना हो उनका। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान से हम बात कर रहे हैं जिसका उस बातचीत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव को नीचे लिखी बातों से दर्शाती नहीं है? हम नेगलेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं, हमें स्टूपिड समझा जा रहा है और हम मायूस महसूस करते हैं। हमें लगता है हम वर्थलेस हैं, अनुपयोगी हैं, परेशान हो जाते हैं जब ऐसा देखते हैं। हमें लगता है हम अनइम्पॉर्टेंट हैं और व्याकुल हो जाते हैं, छोटा महसूस करने लगते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमें कोई सुन नहीं रहा है और हताश हो जाते हैं। अब इसका दूसरा पहलू देखें, हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और वो बातचीत का माहौल आरामदायक बनाए। सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, ज़रूरी और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी होती है। अपनी बात ध्यान से सुने जाने पर हम कैसा महसूस करते हैं? हमें लगता है हम इम्पॉर्टेंट हैं, हम अच्छे हैं, हम खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम उपयोगी हैं, ख्याल रखा जा रहा है हमारा और बहुत इंस्पायर्ड महसूस करते हैं जब हमारी बात सुनी जाती है। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने में ये रुकावट आती हैं, बाहरी रुकावटें ये होती हैं, भौतिक बाधाएं, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, शोर, नॉइस, थकान, फटीग, अंदरूनी रुकावटें, किसी और बात के ध्यान में लीन होना या सोच का भटकना, मन में पहले से बैठी धारणा और राय, बोलने वाले और उसकी बात में दिलचस्पी ना होना, कुछ बौद्धिक रुकावटें, इंटेलेक्चुअल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि भाषा की समझ ना होना, दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नज़रिया दिखलाते हैं तो वो व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वो महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वो हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार हो जाता है। खुले दिल वाले होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला होना। ये शब्द है डेविड आसपरगर के। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरों को बोलने के लिए उत्साहित करें, सवाल पूछें, ये हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट ना डालें, विषय ना बदलें, सम्मान और समझ का भाव दिखाएं, ध्यान से सुनें, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें, अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख कर देखें, खुले विचारों वाला बने, अपनी पहले से बनी धारणाओं और राय को अपने सुनने में बाधा ना बनने दें, संदेश पर ध्यान दें ना कि कहने के सलीके पर। शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचानें, जैसे कि चेहरे पर आने वाले भाव, नज़रों की भाषा, हो सकता है कि वह अभिव्यक्तियाँ कोई अलग ही संदेश दे रही हों। भावों को समझें ना कि सिर्फ शब्दों को सुने। नवा कदम, उत्साही बने। स्टेप 9, बी एंथुसियास्टिक। बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, ये शब्द हैं रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन के। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है, ये अमूल्य है। उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति के बात करने के तरीके, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है, इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। कई दशक पहले चार्ल्स शॉब, जिसकी सालाना तनख्वाह $10,00,000 थी, से एक बार पूछा गया कि क्या स्टील बनाने की अपनी विशेष योग्यता की वजह से इतनी तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों का उत्साह बढ़ाने की योग्यता से ही सबसे बड़ी पूंजी है ये मेरी। और किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का तरीका प्रोत्साहन और प्रशंसा है। जब तक जिंदगी है
जिंदा दिली से जिए, मौत आने से पहले ही मुर्दा ना बने। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। सिर्फ एक डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है और भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकती है। उत्साह हमारी जिंदगी के लिए वही काम करता है। 10वां कदम, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। स्टेप 10, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफ देह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढकने के लिए माफ़ी मांगने का एक जरिया हो सकता है। कई बार लोगों को पूरा समय ना दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज़्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। ये इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकता है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक नहीं है, बल्कि अपने को गैर ज़रूरी महसूस करने का भाव है। ये शब्द हैं मदर टेरेसा के। तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह की कुछ बातें हों। पहला, ये साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को ये कहकर चल देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है, तो वो मन में क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैंने क्या अच्छा किया है। वो कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं ये कहता हूँ, तुमने जिस तरह उस अड़ियल ग्राहक को समझाया, वह बहुत अच्छा काम था, तब वो समझ जाएगा कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। दूसरा, ये तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करते हैं, तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। तीसरा, ये सच्ची होनी चाहिए। ये दिल से निकलनी चाहिए। हमारे शब्द से ईमानदारी छलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ ना कर रहे हों, तो बेहतर है कि तारीफ ना ही करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी छलकने लगती है। चौथा, प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का ना करें। परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं। और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है। मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन ये कहने के बजाय कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा क्या आप कृपया उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं वो कहें। पांचवा, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हैं और वही खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे, तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से ना जाने दें। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी की तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। चेतावनी, किसी मानदंड मतलब कि बेंचमार्क के बिना भी की गई तारीफ संबंधित व्यक्ति को नाराज कर सकती है। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है? वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड फ्लैटरी? इन दोनों के बीच सच्चाई का फ़र्क होता है। एक दिल से होती है, जबकि दूसरी जुबान से। एक में असलियत होती है, दूसरे में स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है। हम ना तो चापलूसी करें, ना ही चापलूसों की बातों में आए। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है। फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। ये शब्द हैं जोनाथन स्विफ्ट के। छोटी तारीफ रेगिस्तान में मिरेज की तरह होती है। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं और ज़्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि यह भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा लेते हैं। 11वां कदम, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए आगे बढ़ें। स्टेप 11, व्हेन यू मेक मिस्टेक एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन।
जब मैं गलती करूं तो मुझसे इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। ये जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती के लिए ना तो किसी को दोष लगाएं और ना ही बहाने बनाएं। इस पर अड़े ना रहें। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगें, अपनी सफाई ना पेश करें। क्यों? गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। 12वां कदम, तर्क करें पर तकरार ना करें। 12, डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। तकरार और बहस से बचा जा सकता है और थोड़ी सावधानी बरत कर इंसान मन की बहुत सी तकलीफ़ों से बच सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसमें पड़ा ही ना जाए। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता। अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो ये कैसी जीत है? बिल्कुल खोखली जीत। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के समान है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज़ से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जज्बाती लड़ाइयाँ हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती है। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ सी लगी होती है। जो ये समझता है वो सब कुछ जानता है, वो तो बेवकूफ़ ही है। लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो उससे बहस करता है। क्या ये किसी काबिल है? इज़ इट वर्थ इट? हम जितनी बहसें जीतते हैं हमारे दोस्त उतने ही कम होते चले जाते हैं। सवाल ये है कि हम ठीक भी हों तो क्या बहस करना उचित है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी की बात के विरोध में कभी कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए? ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन नरमी और समझदारी से, कुछ इस तरह कि निष्पक्ष बात कहते हुए, जैसे कि जहाँ तक मुझे खबर है, उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं वो कहें। अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा हो और हम उसे गलत साबित भी कर सकते हों तब भी क्या ये उचित होगा? मैं ऐसा नहीं सोचता। एक बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद क्या हमारा दोबारा अपना विचार प्रकट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बहस उस तंग दिमाग से आ रही है जो क्या ठीक है के बजाय कौन ठीक है साबित करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी पार्टी में, खासकर कुछ पैग लेने के बाद, कोई बड़े अधिकार के साथ कहता है इस साल का निर्यात अरब डॉलर का होगा। हम जानते हैं कि उसकी जानकारी गलत है और वास्तव में निर्यात 45 अरब डॉलर का हुआ है। हम कैसे जानते हैं? हमने ये उसी दिन की अखबार में पढ़ा था, या हमने पार्टी के लिए आते समय रास्ते में रेडियो पर सुना था, और हमारी कार में एक बुलेटिन पड़ा है जो हमारी बात को सही सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। क्या हम अपनी बात साबित करेंगे? हाँ, ऐसा कहकर, मेरी जानकारी के अनुसार निर्यात की रकम 45 अरब डॉलर है। यदि दूसरा आदमी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, तुमको नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे एकदम सही पता है कि कितना है, ये 50 अरब डॉलर ही है। ऐसे में हमारे पास कई रास्ते हैं। पहला, अपनी बात दोहराएं और बहस शुरू कर दें। दूसरा, भागकर अपनी गाड़ी से बुलेटिन ले आएं और उस आदमी को गलत साबित कर दें। तीसरा, तर्क करें लेकिन बहस नहीं। चौथा, नज़रअंदाज कर दें। तीसरा और चौथा रास्ता सही है। अगर कोई ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णता, कुशल और समझदार बनना ही पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना। तर्क और बहस में क्या अंतर है? वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आर्गूमेंट एंड अ डिस्कशन? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और बंद दिमागी से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से बाहर आते हैं।
बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का। बहस में ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में ये साबित किया जाता है कि क्या सही है। मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के लिए बहस करना समझदारी नहीं है। ऐसा आदमी बंद दिमाग का होता है, इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते। एक छोटा दिमाग और बड़ा मुंह आम तौर पर बेबुनियाद बहस को जन्म देता है। तर्क करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरे इंसान को भी अपने मन की बात कहने का अवसर दें, उसे मन का मैल निकालने दें, उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिश ना करें, उसे ये मौका कभी ना दें वो हमको अपने स्तर पर गिरा दें, उसे इज्जत दें और तहजीब से पेश आएं, इससे वो दुविधा में पड़ जाएगा। कारण चाहे कोई भी हो, स्थिति को संभालने का सही तरीका यही है कि पहला धैर्य से सुने, दूसरा झगड़ा या जवाबी आक्रमण ना करें, इससे दूसरा दुविधा में पड़ेगा क्योंकि उसे झगड़े की उम्मीद रहती है। तीसरा, माफ़ी मांगे जाने की उम्मीद ना करें। कुछ लोगों को माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे उन्होंने गलती की हो। चौथा, छोटी छोटी बातों में राय का पहाड़ ना बनाएं। तर्क करने का मतलब सिर्फ सही समय पर सही बात कहना ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो नहीं कहना चाहिए उसे ना कहा जाए। बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई जाए, लेकिन पलट कर जवाब देने की नहीं। बड़े होने के नाते हमें भी झगड़ालू बने बिना असहमति व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। बहस के दौरान एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है। बहुत पहले मैंने सीख लिया था कि सुअर से कुश्ती कभी नहीं लड़ें। आप तो मैले हो ही जाएंगे, साथ ही ये सुअर को भी अच्छा लगता है। ये शब्द हैं साइरस चिंग के। तर्क शुरू करने के तरीके, पहला खुले विचारों वाले बने, दूसरा बहस में घसीटे ना जाएं, तीसरा बीच में ना टोके, चौथा अपने विचार कहने से पहले दूसरे के विचार सुने, पांचवा बात स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछें, इससे दूसरे व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा, छठा बात को बढ़ा चढ़ाकर ना कहें, सातवां बात मनवाने के लिए उत्साह दिखाएं पर दबाव ना डालें, आठवां बात स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, नौवां छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाएं लेकिन अपने सिद्धांतों पर नहीं, दसवां इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं, ग्यारहवां अपने प्रतिद्वंद्वी के गर्व को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम से पीछे हटने का मौका दें, बात ठुकराए जाने से उसे ठेस लग सकती है, बारहवां नरम लफ्जों में ठोस तर्क पेश करें, ना कि कड़े लफ्जों में हल्के तर्क। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है, उसके तर्क कमज़ोर होते हैं पर लफ्ज़ तीखे और कठोर। विचार विमर्श के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा साबित हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, फिर उसके बाद अपनी लाइन जो आप कहना चाहते हैं वो कहें। बहस को ख़त्म करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपनी अज्ञानता दिखाते हुए इस तरह के सवाल पूछें, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं, क्या हम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं, क्या हम अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी से भी बात ना बने तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अदब और तहजीब से अपनी असहमति जाहिर कर दें। तेरहवां कदम, पीठ पीछे बातें ना करें। स्टेप 13, डोंट गॉसिप। याद रखिए, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं, वे हमारी पीठ पीछे हमारी बारे में भी बातें करते हैं। गप हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पे बातें सुनता तो जल्दबाजी में है, मगर उन्हें मजे ले लेकर सुनाता है। वो अपने काम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो उसके पास काम होता है और ना ही दिमाग। गप्पे की दिलचस्पी काम की बातों से ज़्यादा उड़ती खबरों को सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाता और ना ही कुछ अनकहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। गप मारने से किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गप सुनने वाला उतना ही दोषी है जितना कि गप मारने वाला।
गप हाँकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गप्पी इंसान का आदर नहीं करता कोई, वो दिलों को तोड़ता है, जिंदगियों को तबाह करता है, वो बेवकूफ़ और दुर्भावना से भरा होता है। वो असहाय और कमज़ोर इंसान को अपना शिकार बनाता है। गप की रोकथाम मुश्किल होती है क्योंकि उसकी ना तो कोई शक्ल होती है ना ही नाम। गप लोगों की प्रतिष्ठा को आँच पहुँचाती है, सरकारों का तख्ता पलट देती है, वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, करियर बर्बाद कर डालती है, निर्दोषों को रुलाती है, दिलों को चोट पहुँचाती है और नींद उड़ा देती है। अगली बार जब हम गप का मज़ा ले रहे हों तो खुद से पूछें, क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें सभ्यता और उदारता है? क्या ये ज़रूरी है? क्या मैं अफवाहें फैला रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहता हूँ? क्या मैं अफवाहें फैलाने में मज़ा लेता हूँ और इसके लिए दूसरों को उकसाता हूँ? क्या मेरी बातचीत इन शब्दों से शुरू होती है, किसी से ना कहना? क्या मैं गोपनीयता बनाए रखता हूँ? गप मारने से बचें। याद रखें, छोटे मुंह वाले बड़ी बात करते हैं। कदम 14, अपने वादे को वचनबद्धता में बदलिए। स्टेप 14, टर्न योर प्रोमिसेस इंटू कमिटमेंट्स। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? वादा इरादे को जाहिर करता है, वचनबद्धता का मतलब ये होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए में गैर कानूनी और अनैतिक बातों को शामिल नहीं किया गया है। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को ना निभाएं तो यह संसार कैसा होगा? फिर इनके बीच कैसा रिश्ता होगा? पति पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, खरीदार और बेचने वाले के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच। वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिछले और खोखले होते हैं। ये सुविधा पर निर्भर होते हैं और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई स्थायी चीज़ नहीं रची जा सकी। वचनबद्धता कहती है, अनजाने भविष्य में मैं स्थिर हूँ। बहुत से लोग वचनबद्धता को बंध जाना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में ये सच नहीं है। वचनबद्धता हमारी आज़ादी नहीं छीनती, वास्तव में ये हमको और आज़ादी देती है, क्योंकि इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हों। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसे नेता को समर्थन देने का वचन देता हूँ जो बाद में एक चरस गांजे का व्यापारी बन जाता है, तो क्या मुझे अपना वचन निभाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचनबद्धता सुख और दुख में रिश्तों की मजबूती बनाए रखती है। ये इंसान की शख्सियत और रिश्तों में झलकती है। 15वां कदम, एहसान तो माने लेकिन दूसरे से एहसानमंद होने की उम्मीद ना करें। स्टेप 15, बी ग्रेटफुल बट डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड। एहसान एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसास है। ये हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र को बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होता है। ये दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी है। ये भाव दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नज़रिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में छलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्या सिखाता है? ये हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला सिखाता है। एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे साधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नज़दीकी लोगों जैसे जीवन साथी, संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार करना भूल जाते हैं। एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नज़रिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है।
एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके से जाहिर होने लगती है, होनी भी चाहिए। इसका जितना भी इजहार किया जाए वो कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है, वह क्यों कीमती है? अक्सर उपहार देने वाले की कीमत उपहार से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, यदि कोई उन्हीं चीज़ों को उपहार के तौर पर देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते हैं। मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया, ना कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। जीसस की कहानी, द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट। जीसस के बारे में एक कहानी है कि उन्होंने एक बार 10 कोढ़ियों का कोढ़ ठीक कर दिया और जब वे मुड़े तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। तब जीसस बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ज़्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं। एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऊपर का उदाहरण हमारे व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होता है? हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा देते हैं तो कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार है। संयोग से, बाय द वे, जब लोग दूसरों से काम निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, संयोग से क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, ऐसा कहकर वे काम करने या ना करने के महत्व को कम कर देते हैं। मैंने ये पाया है कि अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो ये संयोग से नहीं होता, बल्कि हमेशा खास तौर पर होता है। एक अच्छे इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो वो काम कोई एहसान करने के लिए नहीं करता। अगर दूसरे की मदद करना संभव हो और वो फिर भी ना की जाए तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से कुछ भी घटित नहीं होता, ये हमेशा खास तौर से घटित होता है और ऐसा मानना भी उचित है। 16वां कदम, भरोसेमंद और वफादार बने। स्टेप 16, बी डिपेंडेबल एंड प्रैक्टिस लॉयल्टी। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक शेर चलाकी से ज़्यादा अच्छी है। ये सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं लेकिन वो भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। आई न्यू यू वुड कम। बचपन के तो ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पर हमला हुआ, चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज़ आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज़ फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को नहीं खोना चाहता। साथ ही बिल की आवाज़ से भी ऐसा लगता है कि वो नहीं बचेगा। हैरी चुप रहा। फिर वही आवाज़ आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी
चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वही आवाज़ बार बार आई। हैरी अपने को और ज़्यादा रोक नहीं सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन वो मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाज़त दे दी। हैरी अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने खड्डे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज़ हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वो नहीं बचेगा, वो मर गया है और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता, तुमने वहाँ जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन मैंने जो किया वो ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुँचा तो वो ज़िंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए। हमसे अक्सर कहा जाता है अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरों की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वाले के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर है, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। 17वां कदम, मन में मैल ना रखें। स्टेप 17, अवॉइड बियरिंग ग्रजेस। कूड़ा इकट्ठा करने वाले ना बने। क्या हमने वो कहावत सुनी है, माफ़ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ़ करने से इनकार कर देता है तो वो उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने के लिए किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम मन में वैर और द्वेष का भाव रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं, खुद अपने को। जिम और जेरी बचपन के दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। वे 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। जेरी मृत्युशैया पर पड़ा था और दिल पर बोझ लेकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिम को बुलवाया और माफ़ी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और पिछली बातों को भूल जाएं। जिम को भी ये बात अच्छी लगी। एक दिन उसने जेरी से अस्पताल जाकर भेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बीते पिछले 25 सालों को याद किया, अपने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजारे। जब जिम जाने वाला था, जेरी पीछे से चिल्ला कर बोला, जिम अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना, ये माफ़ी मानी नहीं जाएगी। द्वेष भाव रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, द्वेष रखना व्यर्थ है। लानत है मुझ पर, शेम ऑन मी। जहाँ एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था, किसी को माफ़ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि उनका मतलब ये था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। और ये थे अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीकों में से 17 तरीके। इसके आगे के तरीके आपको दूसरी वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी आवाज़ अच्छी लगी, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहेंगी। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।